current generator wala channel and press the bell icon. Welcome to my YouTube channel generator wala. आज का वीडियो अपनी गाड़ी में सेफ्टी कैसे रखें। कौन सा मॉडल वो बताना। ये होंडा का एक्टिवा है 3G। गाड़ी जब भी चलाएं आराम चलाएं और 40 से 60 किलोमीटर के ऊपर मत स्पीड मत तब चल। ये होंडा का 2016 का मॉडल है जी, 2016 का मॉडल है, जनवरी महीने का, जनवरी का। वीडियो आपका इस गाड़ी का बनाने जा रहा हूं मैं, जो फंक्शन लोगों को मालूम है पर नहीं भी मालूम है क्या होता है। ये बैक लाइट है, इसका कितना बड़ा रोल है किसी को मालूम है कि नहीं मालूम मुझे नहीं पता। इसका बहुत बड़ा रोल होता है जब भी आप हाईवे पे या नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं। अगर ये लाइट आपकी नहीं काम कर रही तो पीछे वालों को कैसे मालूम पड़ेगा कि गाड़ी रुकी है कि चल रही है। एक तो इसमें पार्किंग लाइट होती है जो स्टार्ट पर जलती है, एक होती है ब्रेक लाइट जो ब्रेक मारती थी। कभी भी आप जो रोड पर चलते हैं तो देखते हैं कि रोड लाइट नहीं होती है, उस टाइम अंधेरा होता है। तो अगर आपकी गाड़ी फंक्शन नहीं कर रही, पीछे लाइट नहीं जल रही, तो पीछे से कोई भी गाड़ी आ रही हो तो वो कैसे मालूम पड़ेगा आगे गाड़ी रुकी है या चल रही है, क्योंकि ये काम नहीं कर रही है। जैसे आप किनारे भी खड़े हैं, साइड में भी खड़े हैं, तो उसको पता नहीं ना। ये लाइट वही दर्शाती है कि हाँ जब भी ये लाइट जलती है तो क्या फंक्शन करती है। जरा जब भी आप गाड़ी अंधेरे में चल रही होती है, रोड पे लाइट नहीं होती, तो जब गाड़ी ऐसे खड़ी है या ऐसे आप ब्रेक मारते हो तो पीछे वाला होशियार हो जाता है कि गाड़ी में ब्रेक लगा है, तो वो भी अपनी होशियारी से चलता है। अगर ये लाइट नहीं काम करती तो पीछे वालों को नहीं मालूम होता आप कितनी धीरे चल रहे हैं, कितनी स्पीड में चल रहा है, वो अपनी स्पीड में चलता है। इस लाइट का यही फ़ायदा है कि लाइट ज़रूरी पीछे वाली सही रखें, इंडिकेटर भी अपना सही रखें। ये छोटे छोटे फंक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। ये इसका मिनर है, बहुत से लोग गाड़ी लेते हैं इसको हटा देते हैं, बहुत से लोग ऐसा तिरछा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिस इंजीनियर ने गाड़ी बनाई है तो कुछ सोच के शीशा लगाया होगा ना। ये शीशा क्यों लगे हुए हैं, चाहे बाइक हो, ट्यूबलर हो या आपके पास चार पहिए गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, ये शीशा इंजीनियर ने किसी वजह से लगाया होगा ना। जितने भी गाड़ी में फंक्शन है वो कोई ना कोई फंक्शन किसी काम कर रहा होगा, पर बहुत से जो लड़के हैं वो गाड़ी का शीशा दोनों निकाल देते हैं, ऐसे चलाते हैं। जब आप गाड़ी लेफ्ट या राइट मोड़ते हैं तो इंडिकेटर जला देते हैं, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, ऐसे में हादसा होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये शीशे यही दर्शाते हैं कि पीछे देखने के लिए। ये बहुत छोटी चीज़ है, आदमी तुरंत खोल के हटा देता है, पर ये बहुत बड़ी फंक्शन है इस गाड़ी का। गाड़ी में शीशा हमेशा लगा रहना चाहिए, गाड़ी में बैठ के आप देख सकते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी ओवरटेक करना है, किसको नहीं करना, किसको, ये वो बताता है। बहुत से लोग उसको हटा के सीधा कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं, हटा देते हैं। अब आते हैं इसके हेडलाइट पर। हेडलाइट का क्या मतलब होता है, दूर और पास, जैसे और डिपर अपर। अपर डिपर का क्या मतलब होता है, जब भी आप कोई पास लेते हैं या नहीं, या जैसे नीचे का देखना चाहते हैं तो डिपर अपर, पास का और दूर का। तो पास का देखते हैं तो आपको सामने का सब दिखाई देता है। बहुत से लोग होते हैं एक ही पे चलाते हैं, जैसे कि एक फंक्शन एक काम करे एक ही, तो ऐसा नहीं है, इसका भी रोल है। ये इसकी पार्किंग लाइट, पार्किंग लाइट तब जला जाती है जब हल्का अंधेरा होता है, जैसे शाम के टाइम, जैसे पीछे जले। ये पार्किंग लाइट है, अब ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक लाइट में जलेगी। ये ब्रेक लाइट है, ब्रेक लाइट मारने का मतलब हो गया गाड़ी रुकी है या धीरे है, तो इसका यही मतलब होता है। ये मेन लाइट हो गई इसकी, अपर डिपर। आज तक ये वीडियो किसी ने बनाया नहीं है, मैं इसलिए बनाता हूँ कि ये वीडियो, कि जब आप भी आप घर से निकलते, घर वालों को ये चिंता रहती है कि घर से निकले कब आएंगे कब, तो शीशे लाइट इंडिकेटर, गाड़ी तो आप सही रखते हैं पर इंडिकेटर शीशे में कभी कोई नॉर्मल आदमी ध्यान ही नहीं देता है, अरे हटाओ देखा जाएगा। बैक लाइट शीशा
हेडलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, ये आपको रात को पता चलेगा। इसी की वजह से बहुत से हादसे हो जाते हैं। आपने देखा होगा हाईवे पे जब भी चलते हैं तो पीछे की लाइटें ही काम करती, दो पहिए गाड़ी चाहे चार पहिए गाड़ी, पीछे के कोई फंक्शन लाइट नहीं काम करती, उससे ही हादसा होता है। हादसा ना हो इसीलिए गाड़ी में ये सब फंक्शन दिए गए हैं, पर बहुत से नॉर्मल लोग हटा देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, फ्यूज़ हो जाता है। तो अगर मेरी बात आप मानते हैं तो तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइट के फंक्शन और लाइट को ज़रूर केयर करें। मेरा वीडियो पसंद, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें।